गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल गुड एंड योर मैम इज आल्सो गुड। टुडे इज द थॉट ऑफ द डे, मींस आज का सुविचार। द थॉट इज जीने की कला सिखाते शिक्षक, ज्ञान की कीमत बताते शिक्षक। पुस्तकों के होने से कुछ नहीं होता है अगर मेहनत से नहीं पढ़ाते शिक्षक। ओके, दिस इज योर हिंदी बुक। टुडे आई टीच यू हिंदी सब्जेक्ट। ओके, ओपन दिस बुक। डियर स्टूडेंट, इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको आ से आहा और स्वर में आ से आहा और व्यंजन में का से ज्ञा पढ़ना बताया है। आई होप आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया होगा एंड आपको ये अच्छे से लर्न भी हो गया होगा। देन नेक्स्ट, उसके बाद मैंने आपको इससे रिलेटेड कुछ एक्टिविटी भी बताई थी। ओके, देन उसके बाद मैंने आपको दो वर्ड वाले शब्द जोड़कर पढ़ना और लिखना दोनों बताया था। आई होप आपको ये भी अच्छे से आ गया होगा। एंड देन नेक्स्ट, उसके बाद मैंने आपको बताया था वर्णों को मिलाकर पढ़े, मीन्स यहाँ पर जो दो अक्षर के वर्ण हैं इनको मिला करके शब्द बना करके इनको पढ़ना था। ओके, देन नेक्स्ट, उसके बाद मैंने आपको बताया था वाक्य पढ़िए एवं समझिए, मीन्स यहाँ पर आपको कुछ वाक्य दिए रहेंगे, दो अक्षर के शब्द से कुछ वाक्य दिए रहेंगे, आपको इसको पढ़ना है और समझना है कि वह क्या बोल रहा है। जैसे यश फल शक चख, मीन्स यश क्या कह रहा है, यश कह रहा है फल को चखो, है ना। ओके, सो आज हम आपको पेज नंबर 2424 पढ़ना बताएंगे। ओके, पेज नंबर 24, दादा परे की मंत्र, खा खा पर ओ की मंत्र, देखो कॉमा, सा मा झा झा पर ओ की मंत्र, समझो आ आ पर ओ की मंत्र, और पा अढ़ा अढ़ा पर ओ की मंत्र, पढ़ो देखो समझो और पढ़ो। मीन्स यहाँ पर जो आपको राइट किया है इसको देखना है और उसको अच्छे से समझना है और पढ़ना है, समझ कर पढ़ना है। ओके, इसे बड़ी ई शा ईश, सॉरी ई शा ईश, भा जा भज, या शा यश, आ बा अब, उठा उठ मूल विराम, जा ला जल, भा रा भर पूर्ण विराम, यस उठ, सॉरी यस अब उठ, जल भर पूर्ण विराम, ईशा ईश, भाजा भज पूर्ण विराम, आपा अब, खाता खत, पा अढ़ा पढ़ पूर्ण विराम, ईश भज अब खत पढ़ पूर्ण विराम, डा रा डर, माता मत पूर्ण विराम, डर मत पूर्ण विराम, आ बा अब, घारा घर, चाला चल अब घर चल पूर्ण विराम, रा था रथ, पारा पर, चा अढ़ा चढ़, रथ पर चढ़ पूर्ण विराम, बासा बस, कारा कर, बस कर पूर्ण विराम, आबा अब, ला अड़ा लड़, माता मत अब लड़ मत पूर्ण विराम। डियर स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको ये पढ़ना बताया आपको इसको इसी तरह से ऐसे पढ़ना है। ओके, बा सा बस, ताका तक, चाला चल, बस तक चल, लावा लव, दासा दस, बाजा बज, गा ए गए, लव दस बज गए पूर्ण विराम, बासा बस, ताका तक, चाला चल पूर्ण विराम, बस तक चल,
आ बा अब हाठ हठ माता मत कारा कर अब हठ मत कर पूर्ण विराम साबा सब साचा सच साचा सच कह कह अब सॉरी सब सच सच कह पूर्ण विराम आबा अब डारा डर माता मत अब डर मत पूर्ण विराम छाला छल माता मत कारा कर छल मत कर पूर्ण विराम शाका शक माता मत कारा कर पूर्ण विराम शक मत कर बाका बक डैश बाका बक माता मत कारा कर बक पक मत कर पूर्ण विराम नेक्स्ट खाता खत पा अढ़ा पढ़ खत पढ़ नव नव लाड़ा लड़ माता मत नव लड़ मत पूर्ण विराम खाता खत पा अढ़ा पढ़ खत पढ़ पूर्ण विराम आबा अब छाटा झट पाटा पट पाढ़ा पढ़ पूर्ण विराम अब झट पट पढ़ झाका झक डैश झाका झक माता मत कारा कर झक झक मत कर पूर्ण विराम द नेक्स्ट था का थक माता मत थक मत आ बा अब घारा घर चाला चल पूर्ण विराम अब घर चल पूर्ण विराम ताना तन कारा कर माता मत चाला चल तन कर मत चल पूर्ण विराम था का थक मा ता मत पूर्ण विराम थक मत बा अढ़ा बढ़ चाला चल बढ़ चल पूर्ण विराम चाला चल कारा कर रासा रस चाखा चख चल कर रस चख पूर्ण विराम रासा रस चाखा चख कारा कर राखा रख रस चख कर रख पूर्ण विराम डियर स्टूडेंट जैसे मैंने आपको पेज नंबर 24 पढ़ना बताया है आपको इसको दो अक्षर से रिलेटेड जो वाक्य दिए गए हैं आपको इसको अच्छे से देखकर समझकर पढ़ना है ओके और इसको जैसे मैंने आपको पढ़ना बताया है आपको इसको इसी तरह से पढ़ना है ओके आपको इसको मैक्सिमम 10 बार अच्छे से पढ़ना है जिससे कि आपको ये अच्छे से पढ़ना आ जाए ओके थैंक यू डियर स्टूडेंट इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको वाक्यों को दो अक्षर के शब्द को पढ़ना बताया है ओके सो इस वीडियो में मैं आपको दो अक्षर के शब्द से कुछ वाक्य राइट करना बताऊंगी जैसे कि पहले इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको कुछ बताया था है ना इस तरह के देखिए है ना आज मैं आपको कुछ न्यू वाक्य राइट करना और पढ़ना दोनों बताऊंगी ओके सो लेट स्टार्ट सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पर डेट मेंशन करते हैं ओके टुडे विच डेट टेल मी यस 3:30 July जुलाई यार आपका 2020 देन नेक्स्ट राइट योर नेम स्पेलिंग यहाँ पर आपको अपने नेम की स्पेलिंग राइट करनी है एंड देन HW मेंशन करना है ओके फिर आपको यहाँ पर राइट करना है सा सा पर छठों की मंत्रा ला ला पर एक ही मंत्रा और खा सुलेख ओके सुलेख राइट करने के बाद आपको नीचे इस तरह से अंडरलाइन कर लेना है देन उसके बाद आपको यहाँ पर फर्स्ट लाइन से आ बा अब राइट करने के बाद टू फिंगर लीव करना है झा टा झट फिर यहाँ पर आपको टू फिंगर इस तरह से राइट लीव करना है पा टा पट फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर टू फिंगर इस तरह से लीव करना है पा अढ़ा पढ़ पूर्ण विराम फिर यहाँ पर आपको पूर्ण विराम राइट कर देना है ओके अब झट पट पढ़ राइट करने के बाद आपको यहाँ पर पूर्ण विराम राइट कर देना ओके फिर आपको यहाँ पर उसी के नीचे वन लाइन लीव करके उसी के नीचे नीचे इस तरह से आपको इसको ऐसे राइट करना है आ बा ऐसे आपको बोलते हुए साथ में आप इसको बोलते अक्षर को बोलते भी रहेंगे ओके आ बा
अब फिर यहाँ पर उसी के नीचे आपको राइट करना है छट, फिर उसी के नीचे आपको राइट करना है पा टा पट पा अढ़ा पढ़ पूर्ण विराम आबा अब छाटा झट पाटा पट पाढ़ा पढ़ अब छट पट पढ़। आपको इसको इसी तरह से पढ़ पढ़ के राइट करना है, आपको वाक्य को वाक्य के नीचे नीचे राइट करना है, शब्द को शब्द के नीचे नीचे राइट करना है। ओके देन नेक्स्ट, उसके बाद आपको उसके नीचे कुछ लाइन लीव करने के बाद ओके लाइन को लीव करने के बाद यहाँ से उसी के हाफ आपका जो वन पेज होता है आधे पेज में ऊपर ये राइट करना है, फिर आधे पेज में नीचे से आपको फिर राइट करना है नव नव ला अड़ा लड़ माता मत नव 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 निकले के बाद राइट करने के बाद आपको यहाँ पर टू फिंगर लीव करना है ला अड़ा लड़ लड़ लिखने के बाद फिर आपको यहाँ पर टू फिंगर लीव करना है फिर माता मत मत को राइट करने के बाद फिर यहाँ पर पूर्ण विराम राइट कर देना ओके। फिर यहाँ से वन फिंगर इस तरह से लीव करना है, फिर उसके बाद में लिखना है खाता खत, फिर यहाँ पर आपको टू फिंगर लीव करना है पाढ़ा पढ़ खत पढ़, फिर यहाँ पर आपको पूर्ण विराम राइट कर देना है नौ लड़ मत खत पढ़ नौ लड़ मत पूर्ण विराम खत पढ़ पूर्ण विराम। आपको इसके इसी तरह से इसे राइट करना है इसी के नीचे नीचे नव नव ला अड़ा लड़ माता मत, ऐसे शब्द के नीचे नीचे आपको इसको इस तरह से राइट करना है पूर्ण विराम खा ता खत पा अढ़ा पढ़ पूर्ण विराम। आपको इसको इसी तरह से यहाँ पर ऐसे इसी के नीचे नीचे जो पेज है पेज खाली है इस पे यहाँ पर आपको राइट करना है ओके। और ऐसे आपको ऊपर भी इसी तरह से राइट करना है। डियर स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको यहाँ पर राइट करना बताया, आपको इसको इसी तरह से राइट करना है। आपको वाक्य को मीन शब्द को बोल बोल कर राइट करना है जिससे कि आपको वो अच्छे से लर्न हो जाए ओके। आप जब शब्द को बोल बोल कर राइट करोगे तो आपको वो जल्दी से लर्न भी हो जाएगा और आप जल्दी से राइट भी हो जाएगा। और आप ध्यान रहे डियर स्टूडेंट, आपको राइट करते समय राइटिंग को इम्प्रूव करना है ओके। राइट आप जब राइट कर रहे हो तो लाइन टू लाइन टच करते हुए आपको इसको राइट करना है ओके। आपको इसको सुंदर सुंदर सी राइटिंग में राइट करना है और इसको बोल बोल कर जैसे मैंने आपको बताया है इसी तरह से राइट करना है। बोल बोल कर राइट करने से आपको ये जल्दी से लर्न हो जाएगा ओके। बाय, थैंक यू।